बताइए, 3 साल का डिग्री 6 साल में हो रहा है, हम लोग कैसे करेंगे आगे, हम लोग क्या करेंगे? कोई भी हम लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, हम लोग का जिंदगी बर्बाद हो रहा है यहाँ पे, हम लोग सुसाइड करने का नौबत आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा, मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। आपको बता दें कि मगध विश्वविद्यालय के जितने छात्र हैं जिनका सेशन लेट चल रहा है, वो आज एक राजभवन मार्च निकाला गया है उनके तरफ से। आप देखिए कि जितने भी छात्र हैं वो यहां पर मौजूद हैं और राजभवन जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो यहाँ पर इनको रोकने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। आप देखिए जितने भी छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या मामला है। BSc ऑनर्स मेरा है, मैथ ऑनर्स है। कौन सा सेशन है आपका? 18 से 21 चल रहा है, तो अभी तक पार्ट टू का रिजल्ट नहीं आया। तो पार्ट टू का रिजल्ट ही नहीं आया, नहीं आया तो पार्ट वन में रिजल्ट नहीं आएगा पार्ट टू का, तो एडमिशन कैसे होगा पार्ट वन में? इसके पर्पज से हम आए हुए हैं सब लोग, हम लोग दोस्त यार सब आया। कितने दिनों से आप लोगों ने मगध विश्वविद्यालय में कोशिश की थी बात करने की? बहुत दिनों से जाते हैं, बाकी घूर जाते हैं, ऊपर से बोलता है कोई काम नहीं आ रहा है, तो कैसे काम होगा, बंद रहता है अभी कॉलेज। आश्वासन भी कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं, आराम से जाके आराम से घूर के चल आते हैं, कुछ बोलना देने वाला नहीं कोई है। मेरा सेशन 20-23 है, अभी तक 2022 खत्म होने वाला है, जबकि पार्ट वन का रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है। आप पूछ रहे हैं कि कब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, फरवरी से ही इस चीज में लगे हुए। सोचिए उतना दिन में पढ़ते हम लोग तो क्या होता है, केवल आश्वासन पर 3 बार मतलब कहना है कि मतलब है कि निकाल दिया जाता है मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा कि एग्जाम लिया जाएगा, ये रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन कभी कुछ नहीं होता। 5 बार नोटिस निकाला जा चुका है कि अब दिया जाएगा, अब दिया जाएगा, अब शेड्यूल से एग्जाम होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। जो सेशन 3 साल में पूरा होना चाहिए था वो 5 साल हो गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ सर। अभी इतनी वैकेंसी आई हुई है लेकिन हम लोग एक भी फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री के कारण। सोचिए हम लोग घर वाले से भी परेशान हो गए सर, वो बार बार पूछते हैं कब तुम्हारी जॉब लगेगी, कब तुम्हारा रिजल्ट आएगा। बोलिए हम लोग क्या करें सर, घर वाले भी परेशान हो गए हैं। जो सेशन है बहुत सारे बच्चे 4 लाख मगध यूनिवर्सिटी में छात्र हैं, उनमें से 2017 से 20, 18 से 21, 19 से 22, 20, 23 सबका सेशन कम से कम 3 साल लेट चल रहा है, 3 साल लेट चल रहा है। हम लोग 18-21 के हैं, तो हमारा जो है एग्जाम पिछले साल पार्ट टू का 2021 में लोगों का फाइनल होना चाहिए था, लेकिन 2021 में क्या हुआ कि हम लोगों का पार्ट टू का एग्जाम लिया गया और 2022 का अक्टूबर सितंबर चल रहा है और अभी तक रिजल्ट आया है और उसका अता पता भी नहीं कि कब आएगा। तो हमारे लोगों की मांग है कि हम लोगों का सेशन कम्प्लीट किया जाए टाइम पे, सेशन टाइम पर कम्प्लीट करने के बाद और बाकी जो और छात्र हैं उनका भी सेशन कंप्लीट हो, क्योंकि हम आगे चल के अपना फॉर्म फिलअप कर पाए। CGL पार्ट टू का रिजल्ट नहीं आया, जो कि 2001 साल पहले फाइनल होना चाहिए था। 4 साल हो गया, आप समझ सकते हैं 4 साल में 3 कोर्स हैं आप, मतलब जैसे BSc क्या कर रहे हैं? हम हिस्ट्री ऑनर्स से BA कर रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी से। आपका सेशन कितना है? 17 से 20 है सर, जो अभी तक मेरा पूरा नहीं हुआ है और पेंडिंग में रिजल्ट था, तो उसको रिजल्ट बनवाने गए थे तो वो भी क्लियर नहीं हो पाया। और मैं बोल रहा हूँ कि सेशन सबसे बड़ी बात है कि लेट चल रहा है, हम लोग का तो सरकार चेंज हो रही है लेकिन हम लोग का कोई फायदा नहीं हो रहा है। MU का वही हाल है, इतना गंदा है कि मत कहिए। बताइए कि बहुत सारे तेजस्वी यादव बहुत सब फॉर्म निकालने जा रहे हैं और निकालते भी हैं, तो बताइए बिना ग्रेजुएशन का होगा, नहीं होगा तो बताइए कि ग्रेजुएशन हम लोग करवे नहीं करेंगे तो हम लोग फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे? तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हम इतना जॉब देंगे, ये करेंगे, जब तक कि हम धरातल से आपको नहीं उठा हमको उठाइएगा तो हम लोग कैसे जाएंगे ऊपर? पिछले कितने दिनों से आप लोग धरने पर बैठे थे वहाँ? पहले तो बहुत बार बैठे हैं, आज 6 महीना हो गया, 48 दिन का उस दिन उस बार था, अभी इधर वहाँ फिर धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। फागु चौहान है, वो लोग हम लोग के लिए कुछ नहीं करते हैं। एक युवा तेजस्वी यादव हैं, बोलते हैं कि हम युवा को साथ देंगे, लेकिन आज तक हमको नहीं लगा ना कि हम लोग के साथ हैं वो, पता नहीं क्या करते हैं। देखिए हमारे भविष्य के बारे में सोचते हैं या क्या करते हैं? 17 और 20 सेशन में हम लोगों का 90,000 छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग है, 90,000 छात्र छात्राओं का अभी तक पेंडिंग है, अभी तक नहीं आया है। 18-21 सेशन का 1 साल हुआ एग्जाम लिए हुए, अब तक रिजल्ट नहीं आया, 1 साल हुआ। बताइए 3 साल का डिग्री 6 साल में हो रहा है, हम लोग कैसे करेंगे आगे, हम लोग क्या करेंगे? कोई भी हम लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, हम लोग का जिंदगी बर्बाद हो रहा है यहाँ पे, हम लोग सुसाइड करने का नौबत आ गया। अगर आज हम लोगों को राज्यपाल से मिलना है, मिलने नहीं दे रहे हैं, अगर नहीं मिलने देंगे तो हम लोग सुसाइड करेंगे।
देखिए साफ तौर पे छात्रों का ये कहना है कि जिस तरह से सेशन लेट चल रहा है, पार्ट टू का भी रिजल्ट जो है वो अभी तक नहीं दिया गया है। सरकार की तरफ से बहालियां जो है वो निकाली जाती हैं, लेकिन रिजल्ट ना मिलने की वजह से ग्रेजुएशन कम्प्लीट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से वो किसी भी बहाली का फायदा नहीं उठा पाते हैं। देखिए किस तरह से अभी प्रशासन जो छात्र है, साथ ही साथ प्रशासन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। राजभवन जो है वो यहाँ से कुछ ही मीटर्स की दूरी पर है, लेकिन छात्र जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। देखिए प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। हमने आपको बताया कि छात्रों की क्या कुछ मांगी थी, छात्रों का क्या कुछ कहना था, वो हमने आपको इस वीडियो में दिखाया। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे डेमोक्रेटिक चरखा। मैं हूँ आपके साथ नाज़िश मेहताब। धन्यवाद।